शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे यार अपना पासे। आजा 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 आया। How dare you, you dagger! You must get up! You read? Yeah! Don't do it in the house! Hit him out! Slip your blood bastard! Let's get in there! Come on, Mario! Test, you bloody beggar! एचआरए का पैम्फलेट हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सान्याल बाबू ने बनाई है। पुराने सभी क्रांतिकारी हैं इसमें। टारगेट है आजाद भारत। ये हुई ना बात, कभी होम रूल सोसाइटी तो कभी गदर पार्टी। अब ये और एचआरए यार, ये ऑर्गेनाइजेशन से कुछ होना जाना नहीं है। तो फिर किससे होना जाना? देख भगत, तू मान या ना मान, ये कांग्रेस पिछले 30 साल से टिकी तो हुई है। टिकी हुई है क्योंकि वो सिर्फ टिकी रहना चाहती है। अरे वो काम भी करना चाहती है, लेकिन नॉन कोऑपरेशन को छोड़कर, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन जो नॉन कोऑपरेशन को क्यों छोड़ू, उसी की बात कर। वहां थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि फिर तुम चौरी चौरा की बात करो। अबे बात क्यों नहीं करेंगे, वहां कांड नहीं हुआ था क्या? अरे यार कांड हुआ था, लेकिन वहां पर थाने में आग लगाने की क्या जरूरत थी भीड़ को? तो थाने के दरवाजे में मत्था टेक के आगे निकल जाते क्या? कांग्रेसी साहित्य पढ़ के आ गया, आईसीएस की औलाद। तो यार तू देख सुखदेव, तू तहजीब से बात कर, यहाँ पर सबको अपने ओपिनियन रखने का हक है। मैं आज फिर कहता हूँ कि इस गांधी नाम के बंदे में कुछ बात है। बात तो है, मुल्क के 12-13 साल के मासूम बच्चे जिस आदमी के लिए सड़कों पर आ सकते हैं उसमें बात तो होगी। गांधी जी ने कहा है कि गोरों की पढ़ाई नहीं चाहिए, बस्ते नाली में डालकर बच्चे तैयार, कापी पेंसिलों को आग लगाकर बच्चे तैयार। अपने छोटे छोटे हाथों से पैम्फलेट बांटते थे, प्लकार्ड उठाते थे, और फिर अचानक एक दिन पता चला गया, मोमेंट वापस ले लिया गया है। सरकारी स्कूलों के गेट उनके लिए बंद है, सरकारी कॉलेजों में दाखिला मुमकिन नहीं, कहां जाते क्या करते? तुम्हें तो याद होगा, अगर लाला जी ने हम जैसों के लिए नेशनल कॉलेज नहीं खुलवाया होता तो दर दर की ठोकरें खा रहे होते। ठोकरें खाए मेरी जूती, मैं तो आज भी 8-10 को अपने घर में नौकरी पर रख सकता हूँ। अबे साले छोड़ दो भगवती भाई मुझे, चौरी चौरा के सिपाहियों का मरना याद है तुझे? उनका नहीं जो उनकी गोलियों से मारे गए थे? जलियांवाला कांड को भुला दोगे तुम, क्योंकि तुम्हारा माँ बाप भाई बहन कोई नहीं था वहां पे। सुखदेव विद्या अलंकार जी। अगर भगवती भाई ने रोका नहीं होता तो उस मारकंड के बच्चे का सर फोड़ देता मैं। खैरू क्या हुआ इसे? सिनेमा देखने गया था कल रात, गलती से एक क्लास में घुस गया, वहां कुछ अंग्रेजों ने मारा इसको, वही जो क्रिकेट खेलने आते हैं। जानते हो अगर पुलिस पकड़ लेती तो क्या होता? पिटाई होती।
जेल चले जाते, वहां सुख की नींद ही सोते, ये तसल्ली रहती कि हमने कुछ किया। तुम सोचते हो इस तरह दो चार अंग्रेज लड़कों को मार देने से ये लोग बाज आ जाएंगे? नहीं आएंगे, फिर मारेंगे। और तुम्हारी मार के डर से अंग्रेज हमारा देश छोड़ के भाग जाएंगे। तो ठीक है सर, कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं। अरे चुप रहने को कौन कहता है, विरोध तो जरूरी है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, अहिंसा। सिर्फ गांधी ही एक रास्ता नहीं है भगत, अवाम अपने आप में इतना ताकतवर होता है कि अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वो बड़ी से बड़ी सत्ता को उखाड़ के फेंक सकता है, जैसा कि रूसी क्रांति में कम्युनिस्ट पार्टी ने कर दिखाया। जो रूस में हुआ वो यहां भी हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है। एक ऐसी पार्टी है जो वही कोशिश यहां कर रही है, जो डायरेक्ट एक्शन पर विश्वास रखती है। कौन सी सर? उस दिन कैंटीन में तुम लोग जिसकी बातें कर रहे थे। एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ज्वाइन करना चाहोगे? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सोच लो, ये रास्ता खतरों से भरा है, एक क्रांतिकारी के लिए उसकी पार्टी, उसका मकसद सब कुछ है, फिर उसके जीवन में ना कोई आराम, ना कोई खुशी, ना सुख, ना प्यार, ना घर, ना परिवार, कुछ नहीं। हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं सर। ओए भगत, बड़ी रौनक है तेरे घर में आज। मैं भी वही सोच रहा हूं यार। ओ बताइया जी, बताइया। किस बात की? चक्कर क्या है भैया? बड़ी देर लगा दी वीरा। कौन लोग हैं? माना वाली से आए हैं, बाबूजी ने खाने पे बुलाया है, और आपका रिश्ता भी पक्का होगा। रिश्ता? हाँ, तेजा सिंह का पूरा खानदान आया है, और मेरी होने वाली भाभी भी। ओए भाभी। भगत, ओए पुत्र, छेती नाल कपड़े बदल के नीचे आ जा तू। जी बापूजी। अब मैं क्या? माँ, ये है जी मेरा पुत्र। तारी पनकर जी, तारे पुत्र, तेरा बड़ा नाम सुनिया मेरे पिंड को बड़ा फक्र है कि तू हमारा जवाई होने जा रहा है। मम्मा, मैं भी आई। देखिया माँ, क्या कर रहे हैं आप लोग? तेरे ब्याह की तैयारी, तेरे बाबूजी ने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया। और मुझसे पूछा तक नहीं। ओए, तेरे दादी ने तेरे बाप से पूछा था जो तेरा बाप तुझसे पूछेगा? लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं, हर वक्त अभी मनमानी क्या करता है, तू नास्तिक बन गया, हमने कुछ कहा? चल जा ऊपर, जा कपड़े बदल कर आ। नहीं नहीं भगत। लेकिन यार ये शादी, और छोड़ रहा शादी, खाओ जलेबी। ओए थापरा। जी बाबूजी। भगवती, ना तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, अगर भगत ने शादी से इनकार कर दिया तो मैं तुम दोनों को मार मार के दुम्बा बना दूंगा। जी क्या बना दूंगा? जी दुम्बा। हाँ, ना हुन खाओ राज के। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सुनिए, दरअसल बात यह है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। देखिए, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। किसी और को चाहते हैं आप? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझ में कोई खोट है? बिल्कुल नहीं। आप सुंदर हैं, नेक हैं, खुश नसीब होगा जो आपसे शादी करेगा। तो फिर आप क्यों इनकार कर रहे हैं? मैं शादी के लिए नहीं बना, जो रास्ता मैंने अपने लिए चुना है उसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं। कोई बात नहीं, मैं साथ चलूंगी। दुनिया भर की दुख तकलीफें हैं, सब सहलूंगी, लेकिन मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैं आपके लौटने का इंतजार करूंगी। अगर मैं लौट के नहीं आया तो? भगत, जनाब वालिद साहब, आपको याद होगा कि मेरे जनेऊ के वक्त बड़े पापा जी ने मुझे देश के नाम अर्पित कर दिया था। इसे मैं अपनी खुशनसीबी मानता हूँ। देश की आज़ादी के सिवा अब मेरी जिंदगी में कोई और चीज़ मायने नहीं रखती, इसीलिए मैं उसी रास्ते पर जा रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर देंगे। आपका भगत।